इसका एक दोस्त आया बाहर मिलने, नया दोस्त है, पहले कभी मिली नहीं है, इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे मिलना है। अबे गूगलो यार, हम भी तो मिलने आगे जा रहे थे, फिर आपकी गाड़ी देखे तो फिर पीछे आए, फिर एफिलिएटेड 4 देख के फिर आपके पास आए। आपके कार का बहुत दिन से वेट था। क्या तुम्हें लग रहा था आएगी कि नहीं आएगी? लग रहा था मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया टीना गुगलू से नहीं मिली थी, तो आज टीना गुगलू से मिली है। और भाई साहब गुगलू इतना ज्यादा मोटा हो गया ना, टू करेक्ट दैट सॉन्ग, तड्डा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता गूगलू। तो भारी उसने मेरी एक्सरसाइज करा दी यार। टीना उठाना, इसे एक बार उठाना। ये मुझे लगा थोड़े दिन तक टीना से ज्यादा भारी ना हो जाए। ओ गूगलू भैरे मेरी बहुत भारी है, देख लो कितना क्यूट हो चुका है। बाकी ना हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आपका डॉग है उसकी ब्रीड क्या है, तो हमारी जो डॉग की ब्रीड है वो है चाओ चाओ, अगर किसी को लेना हो। चाओ चाओ है, CHOW, CHOW। तो ऊपर से बस इन डॉग्स में ना एक कमी है, इनमें ना एटीट्यूड हो ज्यादा होता है, सुनता नहीं है, रोज जो जाके यहाँ बैठ जाता है, अभी देखना 2 मिनट बाद यहाँ बैठ जाएगा जाके। थोड़ी देर आता है, थोड़ी देर मिलता है, जुलता है, उसके बाद कहता है अपना अपना काम करो। मतलब ये है ना कि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, हाई हेलो करी और उसके बाद सो गया वो। अब मैं इसे बुलाता रहूंगा, आएगा नहीं। इसकी आंखें ना बंद हो जाए थोड़े टाइम बाद। गुगू इसकी आंखें छोटी होती जा रही है। अरे वो ना एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके बालों के आगे ना वो आंखों के आगे फर आ रहा है, तो वो कटवाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो अगर ज्यादा आ गया ना तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी डॉक्टर ने मना किया। गुगू बच्चे, गुगू तू हुड्डी किधरो लेके आया? गुगू हाँ जी हाय, सांता बनाऊंगा न्यू ईयर है भाई मेरे। ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसने इसके लिए हुडी भेजा है। कितना प्यारा हुडी है ना। मतलब लोग डॉग्स लेते हैं ना तो लोगों के डॉग्स कभी कुछ खा जाते हैं, कभी जूते खा जाते हैं। आज तक इसने लिटरली बता रहा हूँ कोई भी दिक्कत, कोई भी नुकसान नहीं किया, लिटरली कोई भी नुकसान नहीं किया। फ्रेंड के कुत्ते ने मेरे जूते खा दिए थे, बहुत अफसोस है। जूतों से याद है वो ड्राई क्लीनर वाले ने क्या कुछ अपडेट किया? हाँ उसकी भी कॉल आई, वो कह रहा कि जूते ले जाओ। मेरे जूते बहुत गंदे हो गए थे, उसमें जूस वगैरह गिर गया था काफी, तो वो ड्राई क्लीन पे दिए थे। इसको मैंने कहा था 2 दिन पहले दे देना, तो इसने तो दे दिए थे, बट वो उन्होंने उठाए नहीं। क्या बोल रहे हैं आज न्यू ईयर? अरे एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे को एक दुकान पे देने थे, उन्होंने कहा था कि सर हम अभी 10 मिनट में आके उठा रहे हैं, और उन्होंने आज जाके उठाए और जूते आज उठाए और कह रहे 3 से 4 दिन में मिलेंगे, और इसने पहने ही आज थे। मेरे को बोल मुझे फर्स्ट को चाहिए और मुझे आज शाम को पहनने, और वो मुझे जूते वो कह रहा है कि मैंने कुछ किए नहीं और मैंने केमिकल्स में डुबा रखे हैं, तो वो आपको मंडे को मिलेंगे। मैंने कहा जिस भी हालत में भैया, मेरे को 2 शाम को भी उसको फोन करके पूछना भैया क्या सीन है। दोस्त आया बाहर मिलने, नया दोस्त है, पहले कभी मिली नहीं है, इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे मिलना है। अबे गूगलो यार, हम भी तो मिलने। ये हमें तो नॉट इंटरेस्टेड हो गई यार, मुझे भी नॉट इंटरेस्टेड है। बाहर जो इसके दिखा, इसके फ्रेंड दिखाई, बोरी 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 कहां पर है? देखो कैसे यार, अरे वो गाइस वो उसकी फ्रेंड बैठी हुई है, ठीक है, एंड शी वांट्स टू गो आउट एंड मीट हर। आज तो मिलन होके रहेगा भाई, डेडिकेशन लेवल नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन है भाई। इसे अभी लौंडिया से मिलने में इतना बोर है, इसे कोई लौंडा दिख गया तो पागल हो जाएगा। है टीना, ये तो घर छोड़ के भाग जाएगी। अपनी अब एटीट्यूड चला गया कहीं घूमने, न्यू ईयर मान चला गया। हमारे सामने को दिखाती है अब, इसके वो मिल गए ना साथ वाले, डाउन टू अर्थ हो गए बहुत ज्यादा। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ये तो बोलना ही भूल गए थे क्योंकि कल हमने बहुत न्यू ईयर कर लिया था, तो हमारे लिए न्यू ईयर मतलब अब चालू हो चुका है। रात को हो गया था हमारा सेलिब्रेशन बढ़िया करके। एंड आई होप आपका जो आने वाला साल है बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यार पिछले साल बहुत सारे लोगों का साल अच्छा नहीं रहा था, तो आई होप आपका आने वाला साल 2020 तो बाय गॉड 2020 ने पूरी दुनिया दिखा दी। 2021 को बोलो कि भाई इस साल 2020 जाओ कभी मनाना लौट के, बाय गॉड इतना क्या ही बोले, क्या क्या नहीं हो गया 2020 में, है ना। सही में 2021 में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की डेथ हो गई है ना, सब ठीक हो जाए। आ गया फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि हमारे इंडिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, फार्मर्स को लेके। मतलब 2020 वाज द वर्स्ट ईयर
फॉर आवर इंडिया। जितनी भी प्रॉब्लम्स 2020 में हुई है वो सब ठीक हो जाए। वो ना वो अभी ना हमें लग रही थी बहुत ज्यादा भूख, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं डीना, कहाँ क्या खाने जा रहे हैं? अभी वैसे मुझे नींद आने लगी है थोड़ी सी आज, तो मैं कॉफी पीना चाहूंगी बिल्कुल, अगर न्यू ईयर पे ये मुझे कॉफी पिला रहे तो। हाँ अरे कोई नहीं यार, क्या बात कर रही है तू, मुझे इतना कुछ खिलाती है पिलाती है तो एक कॉफी तो बनती है ना। बाकी अभी हम क्या खाने जा रहे हैं? भटुआ। भटुआ मैं दिमाग से निकल रहा भटूरा, भट क्या है वो भटुआ ही तो खाने जा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा किसी को, तो वो उधर जाके दिखा देना व्हाट यू आर हैविंग। पहले भटुआ होता है ना मुझे बता दे। हाँ। है ना, तो मुझे भी पहले पता नहीं था भटुआ क्या होता है, तो हम ऐसे गए थे तो हमने मोमोज खाने गए थे एक्चुअली, तो भाई वो मोमोज वाले भैया तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही टाइम लगाते हैं, तो हमारी एकदम से नजर साइड पे गई कि अच्छी सी रोटी, दैट इज समथिंग कीमा चॉप्ड बहुत कुछ मतलब। तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप पे क्या क्या है, उसने बताया मेरे पास सब्जी है और मटन में मैं भटुआ है, भैया खिलाओ यार भटुआ। भटुआ वॉज अमेजिंग और प्राइस वेरी चीप, बहुत सस्ता है, तो अगर आपने कभी ट्राई करना हो तो टंडन मोमोज है उनके बिल्कुल बगल में। वो खाने लगा था तो मैंने कहा दाल रोटी भी लिया थी, बढ़िया अच्छा, बहुत बढ़िया थी वहाँ की ना दाल रोटी, एकदम घर वाला टेस्ट आ रहा था तो मजा ही आ गया। मतलब बढ़िया हमें एक दुकान मिली है कि अगर हम राजपुर रोड साइड घूम रहे हो और हमें कुछ खाना है तो टंडन के बगल में बिल्कुल दुकान है, वहाँ पे बढ़िया चपाती मिलता है, प्रॉपर घर जैसा खाना मिलता है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। उस दिन हमने इतना कुछ खाया, हमारा बिल आया 200 रुपए। तो गाइस फाइनली भटुआ आ चुका है, जैसे आप देख सकते हैं मैं खा रहा हूँ भटुआ विद चावल एंड दे आर लिटरली अमेजिंग। मटन की पूरी ग्रेवी है और ये टंडन वाली दुकान है एंड दिस इज दी शॉप जहाँ पे भटुआ मिलता है, ये वाली दुकान है। तो गाइस प्लीज अगर आप कभी आना चाहो कुछ खाना चाहो तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना एंड ट्राई देयर फूड बिकॉज इट्स वेरी अमेजिंग, वेरी हॉट। टंडन अंकल के मोमोज हैं वो तो अच्छे हैं ही, और जिसने अगर अभी तक टंडन अंकल के मोमोज नहीं खाए तो ये भी ट्राई करना, पर थोड़ा सा ना पेशेंस लेके आना क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है, बस बहुत आधा घंटे का वेटिंग रहता है, लेकिन जो वेटिंग है ना वो मतलब वो है कि वर्थ इट है ना डीना, अगर आप वेट कर रहे हो तो ऐसे मोमोज और कहीं नहीं मिलेंगे। या मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी और ये बहुत स्पाइसी हो गया, गलती होगी गलती। तो गाइस अभी अभी कोई भाई लोग मिलने आया, तो भाई तुमने पहचाना कैसे? आपकी कार देख के। तो भाई मतलब लिटरली ऐसा हो रहा है कि जब से गाड़ी आई है ना इतने ज्यादा सपोर्टर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मतलब हमको बाद में पहचानते हैं पहले गाड़ी को पहचानते हैं। तो भाई क्या सीन हुआ, तुम यहाँ से जा रहे थे क्या? आपकी गाड़ी मिल नहीं रही थी, आगे जा रहे थे फिर आपकी गाड़ी देखे तो फिर पीछे आए, फिर एक्सीलेटेड फोर देख के फिर आपके पास आए। आपके कार का बहुत दिन से वेट था। क्या तुम्हें लग रहा था आएगी कि नहीं आएगी? लग रहा था मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। टीना गई थी लेंसेज लेने, मिल गए लेंसेज? मिल गए टाइटन पे देखते हैं। आपके साथ एक फोटो ले ले। हाँ भाई शॉर्ट शॉर्ट गाइज, अभी गाड़ी का नंबर नहीं आया, गाड़ी का नंबर आना है, तो ये मुझसे पूछ रहा था कि बॉस या फिर 0020। बेसिकली हमने ना दो नंबर मतलब पसंद आए हैं जो मेरे बजट में है, तो एक नंबर है 0020 मतलब उत्तराखंड का ही नंबर आएगा, और एक नंबर है 8055 जिसको मैं लिखाऊंगा एज अ बॉस। पर यार हमें ना 0020 ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा इलीगल और ज्यादा अच्छा है, और बॉस में ना थोड़ा सा ज्यादा फुकरापंती ज्यादा हो जाएगी। तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दो, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो तो आप लोगों से सजेशन लेना बनता है, जैसे हर सजेशन में टीना से लेता हूँ ना वैसे हर सजेशन आपसे भी लेना बनता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो टीना व्हाट डू यू लाइक? मेरे हिसाब से तो 0020 अच्छा है, डिसेंट सा, थोड़ा डिसेंट सा, हां सही सा है ना। बॉस मैंने बहुत वैसे देख लिया है कि 0020 थोड़ा सा ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। और गाइस जब हमारा नंबर आ जाएगा ना गाड़ी का तो हम आपके साथ शेयर, आपको पता तो लग ही जाएगा कि हमारी गाड़ी का नंबर क्या है। तो यार कभी भी अगर आप लोग देखते हो ना हमें तो यार शर्माया मत करो, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो मैसेज करते हैं कि भाई आपको देखा और आपसे मिल नहीं पाए क्योंकि यार थोड़ा ना शर्मा रहे थे। तो गाइस मतलब अगर आप कभी हमें देखते हो ना तो मतलब मिल लिया करो यार, ऐसा नहीं है कि हम आपको एटीट्यूड दिखाएंगे कुछ, यार हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, तो कभी देखो तो मिल लिया करो, बातें करेंगे, व्लॉग में आएंगे। आजकल तो कुछ ज्यादा ही मिल रहा है तो बहुत ज्यादा ज्यादा अच्छा लग रहा है। चल तू फटाफट से जा इसको उधर से, तो अपने तनिजा ऑप्टिकल से लेंस वो मिले नहीं लेंसेस, तो ये जा रही है टाइटन, तो फटाफट से जा और टाइटन से लेकर आ। तो अभी अभी एक और भाई मिला अपना, यू फ्रॉम लुधियाना ना? यस। अब ये भाई स्पेशली लुधियाना से इधर आया, थोड़ी देर पहले अभी देहरादून एंटर हुए हैं और इन्होंने हमारी गाड़ी देखी और गाड़ी देख के रुक गए, तो आपको मैं बता रहा था कि कितने ज्यादा सपोर्टर्स मिल रहे हैं गाड़ी देख देख के, तो अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। तो अभी मैंने ड्राई क्लीन वाली दुकान पे गया था, थोड़ा पंगा ऐसा पड़ गया था, कैश नहीं था, मेरे को लगा था वहाँ पे फोन पे चलता होगा या पेटीएम चलता होगा, वहाँ पे फोन पे पेटीएम कुछ नहीं चलता था, और अच्छा वहाँ भाई मिल गए
तो भाई ने वहाँ पे पेटीएम करा, सॉरी भाई ने वहाँ पे कैश दिया और मैंने भाई को पेटीएम दिया। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही सपोर्ट करे हो। भाई को हिंदी बोलनी पड़ रही है हमारे चक्कर में, भाई होता ठेठ पंजाबी बोलता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पंजाब थोड़े सारे पंजाबी बोल रहे थे, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट लगती है बोलो। थैंक यू सो मच वीरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग वीरे। मेरे लेंसेज मिल गए फाइनली टाइटन से, दूसरे वाले टाइटन में जाके मिले। आज हम पीने आ रखे हैं, हम बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने बैठ के गाड़ी में पिया नहीं, तो हमने कहा चले यार पीने चलते हैं, पी लेते हैं आज ना, न्यू ईयर भी है तो हमने सोचा कि चलो एक एक हो जाए, तो ले आओ भाई जूस। तो जूस आ रहा है अपना, वो देखो गाइस। अब पहले मैं मौसम्बी का जूस पीता था, पर इसने भी मेरे को वेजिटेबल जूस के साथ डाल दिया। तो टीना हमारे वेजिटेबल जूस में क्या क्या डलवाया आपने? आंवला, अदरक, गाजर, चुकंदर और इन पे हैंड। मतलब इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन उस दिन मैंने पिया ना साला पेट भर गया, दो तीन घंटे तक भूख नहीं लगी। तो अगर आप वेट लॉस पे हो ना तो वेजिटेबल जूस इज वेरी गुड, क्योंकि तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं एंड इट इज वेरी गुड। जैसे आप अगर वो पीते हो दूसरा फ्रूट जूस पीते हो, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें कार्ब्स कम होते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग, सो बढ़िया गल है। एंड बाकी गाइस आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना है यार। अब जैसे आपने देखा होगा हमारी पंजाब इंडस्ट्री में ना एक ही जैसे गाने आई जा रहे हैं, तो लोग कौन कौन बोर हो चुका है? मतलब गाने हिट है, नो डाउट गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नया नहीं आ रहा है ना, मैं भी बोर हो गया। तो आज हमने अंग्रेजी गाने लगाए अपनी गाड़ी में, थार पे अंग्रेजी गाने सुने। मतलब वैसे हमारी गाड़ी में बेसिकली पंजाबी गाने चलते थे, लेकिन आज मैंने इसको बोला टीना तो हिंदी लगा दे, बॉलीवुड लगा दे, या तू लगा दे इंग्लिश गाने। तो इंग्लिश समझ में कुछ नहीं आ रहे, मेरे को तो नहीं आ रहे, टीना को आ रहे होंगे समझ नहीं आ रहे, पर वो बीट बजे ना ओ उसमें पूरा मजा आ रहा है। तो भाई हमारा हेल्दी जूस आ चुका है भैया, एक मिनट। तो यहाँ पर आप जूस पीने आए हैं और आप यूज करें कूपन कोड टीना 2020 तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। थैंक यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आई मजा आ गया, पिया है नहीं पहले, मजा आ गया क्या? आई मजा आ गया, पी लिया। अरे मैंने ऐसी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ओ भाई भाई खतरनाक चीज है, लेकिन सही है, मजेदार है। बाकी चलो गाइज अभी चलते हैं, बाकी आप खुश होंगे हम डेली ब्लॉग्स डाल रहे हैं, क्योंकि आई गेस हमारा चौथा ब्लॉग है जो डेली आ रहा है, और हम भी बहुत खुश हैं कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। बाकी अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड गाइज अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, सबसे पहले टीना छेत्री को जाके फॉलो करो, क्योंकि टीना छेत्री के 500 के होने वाले इंस्टाग्राम पे। मेरे को भले बाद में कर लेना, लेकिन सबसे पहले जाओ और टीना छेत्री को जाके फॉलो करो और फटाफट से जाके टीना छेत्री के जितने 500 के। ओ भाई मजाक नहीं करो, मजाक में बढ़ रहे हैं फॉलोवर इसके। उस दिन चार दिन पहले 400 थे, तीन दिन पहले 411 हो गए, फिर दो दिन बाद हो गए 421, अब शायद 400 कितने हो चुके हैं टीना? 437 भाई मुझे लग रहा है कुड़ी 1 मिलियन हिट करने वाली है, तो फटाफट से जाओ और थोड़ा सा प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू गाइस।